पाठक स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, अगले क्लास में हमने ट से ण त का वर्ण सीखा, तो आज हम त से न त का वर्ण सीखेंगे। कैसे बनते हैं त? तो त इस तरह ऐसे, फिर नीचे तक आठ आठ जैसा लगेगा, फिर इसको इस तरह छोड़ देना है। ये बन गया हमारा त। इस तरह उसे बनाना है। ये
हमने पांचे पांच वर्णों सीख लिए। तो हमने कौन से पांच वर्ण सीखे? तो यहाँ लिखा है त, थ, द, ध और न, ये पांच वर्णों हमने सीख लिए। तो अब इसकी गतिविधि यानी कि स्वाध्याय तो हमें आता है। तो यहाँ चित्र दिया गया है तबला, तो यहाँ उसके पास जो वर्ण है उसके पास सच्चा वर्ण है, सही वर्ण है, उसके पास हमें चिन्ह बनाना है सही का। तो यहाँ तबला का चित्र है, तो यहाँ तो के पास हमें चिन्ह बनाया राइट का सही का। फिर है थर्मस, थर्मस का चिन्ह दिखाया, तो यहाँ थ कहाँ है? तो थ के पास हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ चित्र हमें दिखाई देता है कि दरी का चित्र है, तो दरी का द, तो यहाँ एक न लिखा है, तो न के पास न सही है नहीं, दरी का द, तो द के पास हमें सही का चिन्ह बनाना है। तो द के पास चिन्ह बनाया। फिर एक जंगल का चित्र है, तो यहाँ त और ध दोनों लिखे हुए है, तो यहाँ हमें ध के पास चिन्ह बनाया है। फिर हम त से न तक की व्यंजन गतिविधि सीखेंगे। तो हमने त से न तक के वर्ण सीखे, तो इसकी भी गतिविधि हमें करनी है। हमें पता चले कि हमें आता है कि नहीं, इसीलिए ये गतिविधि दी गई है। तो पहला चित्र है धनुष का, तो उसमें पहला वर्ण लिखा हुआ नहीं है, चित्र पहचान कर हमें ये वर्ण लिखना है। तो यहाँ धनुष का चित्र दिखाई देता है, तो पहले वर्ण में खाली जगह में क्या आएगा? ध आएगा। फिर दूसरा चित्र है नल का चित्र है, तो चित्र पहचान कर हमें खाली जगह भरनी है, तो पहले खाली जगह फिर ल लिखा हुआ है, तो खाली जगह में क्या आएगा? न, तो खाली जगह पूर्ण होगी न से, वो शब्द बन जाएगा न ल। फिर तीसरा चित्र है, वहां एक चित्र है दवात का, तो खाली जगह में क्या आएगा? द, दवात का द, तो एक पूर्ण शब्द बनेगा, द लिख के हम पूर्ण शब्द बनाएंगे। फिर चित्र है, वो चित्र पहचान कर हमें खाली जगह भरना है, तो पहला वर्ण खाली है र, ज, ये अक्षर लिखे हुए है, वर्ण लिखे हुए है, पूर्ण शब्द नहीं बना, तो हम खाली जगह भरेंगे, उसके बाद ये शब्द पूर्ण होगा। तो ये चित्र पहचान कर हम लिखेंगे, किसका चित्र है? तरबूज का। तो यहाँ पहले खाली जगह में क्या आएगा? त, तरबूज का त। फिर है थर्मस, थर्मस का चित्र है, तो यहाँ पहले खाली जगह में क्या आएगा? थ, र, म, स, तो ये शब्द पूर्ण हो गया थ, र, म, स। तो फिर से हम देखें कि पहली गतिविधि में त के पास हमें हमने सही किया था, फिर थ के पास हमने सही निशान लगाया था, फिर द के पास हमने सही निशान लगाया था, फिर
निशान लगाया और दूसरी गतिविधि है त से न तक की व्यंजन विधि, तो उसमें ही हमने खाली जगह में ये शब्द चित्र पहुंचान पर लिखे, तो ये शब्द पूर्ण किए। तो यहाँ पहला है धनुष का चित्र पहुंचान पर हमने ध लिखा, फिर नल का चित्र पहुंचान पर हमने न लिखा, तो ये शब्द बन गया नल। फिर दवा का चित्र पहुंचान पर हमने वहां द लिखा, तो फिर ये शब्द बन गया दवात। फिर हमने तरबूज का चित्र पहुंचान पर यहाँ वर्ण लिखा तो, शब्द बन गया तरबूज। फिर हमने ये थर्मस का चित्र पहुंचान पर हमने थ लिखा, तो ये शब्द बन गया थर्मस। धन्यवाद।